Welcome back to my channel. I hope all are you doing good. So today's video all about outfit from scratch video, क्योंकि अभी like recently मैं अप्रैल में मेरे मामा की शादी थी, तो मुझे ये था कि थीम के हिसाब से ही मुझे जाना है, कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि मम्मी जो साड़ी वियर करने वाली थी वो भी मस्टर्ड येलो प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन था. मेरा भाई जो शर्ट पहनने वाला था उसे ज़्यादा फॉर्मल नहीं जाना था, क्योंकि यार गर्मी बहुत थी उस दिन, तो उसका चेंज हो गया था. और कॉन्सिडेंसली हुआ क्या कि उसने भी मस्टर्ड येलो प्लस थोड़ा ब्लू में एक शर्ट पहनी थी, तो वो कोऑर्डिनेशन था. मम्मी का तो मुझे पता ही था कि मम्मी क्या पहनने वाली है, तो उस हिसाब से मुझे मम्मी के साथ कोऑर्डिनेशन करना था. तो इसीलिए अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा ही होगा, जब हम पानीपत गए थे तो वहीं से मैंने अपना फैब्रिक ले लिया था जो मुझे वेडिंग ड्रेस बनानी थी. तो टाइम बहुत कम था. मैंने शायद 22 मार्च को शॉपिंग की थी और 10th ऑफ अप्रैल को शादी थी, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था कि वो स्टिच भी होना था. तो जैसे तैसे रिक्वेस्ट की मैंने अपने टेलर को, भैया को, कि भैया प्लीज़ करके दे देना मुझे. मुझे 4th ऑफ अप्रैल को निकलना था, हरिद्वार में मेरे मामा रहते हैं वहाँ पे. तो फिर होपफुली सब हो गया, दो तीन ट्रायल ही हुए, तो सब आगे प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी कैसे क्या फिट हुआ. तो रिसेंटली मैं मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो मुझे दिशा पनवार की पिक दिखी जो उसने रिसेप्शन पे डाला था. तो मुझे लगा कि मेरा थॉट तो था कि हाँ मुझे कुछ ऐसा बनाना है, बट हुआ फॉर्चुनेटली कॉन्फिडेंसली जब मैं लेने गई फैब्रिक तो मुझे एग्जैक्ट वही कलर मिला. ये थी, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पिक ये दिशा पनवार की है जो उसने अपने रिसेप्शन पे ड्रेस पहनी थी यही. तो मुझे सिमिलर सा लगा कि यार ये तो बिल्कुल वैसा ही है. तो उसमें दो कलर थे, एक पर्पल था और एक ब्लू था, तो मुझे लगा कि कोऑर्डिनेशन के हिसाब से सेट भी हो जाएगा मेरा और मम्मी का, और जैसे ही मुझे ड्रेस स्टिच करानी थी तो वो बन भी जाएगी. क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं कस्टमाइज़ कराऊँ तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होएगा और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं होएगा कि लो सा है. तो मुझे ये था कि हाँ यूनिक होना चाहिए, और देख के होता ना आई कैच अट्रैक्टिव होता है, और इतना ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा पुट ऑन ना करूँ अपने ऊपर, लाइट वेट होना चाहिए जिससे मुझे डांस वांस में कोई प्रॉब्लम ना हो. और गर्मी का टाइम है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि लाइटिंग इतनी ज़्यादा होती है, ऊपर से डार्क कलर में इतना गर्मी लगती है, और डांस वांस करने में तो हालत बिल्कुल टाइट हो जाती है. तो फिर मैंने वहीं से जाना, तो मुझे चांदनी चौक था अपने फैब्रिक के लिए, बट टाइम की वजह से मैंने वहीं पे ट्रायल दिया पानीपत में ही. तो वहाँ पे मुझे होपफुली मिल गया मेरा फैब्रिक. तो वहाँ से मैंने अपना फैब्रिक लिया और मैंने कुछ ऐसा आउटफिट बनवाया, इससे ज़्यादा सिमिलर है, काइंड ऑफ ये नहीं बोल सकती कि मैंने बिल्कुल ब्लू प्रिंट बनाया है, बट हाँ थोड़ा सा थीम यही है दिशा पनवार का. और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि बिल्कुल कैसा रहा ओवरऑल लुक. मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनली अपना जैसा मैंने सोचा था ना, मेरा थॉट प्रोसेस था जैसा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वो बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ. थोड़ा सा जो मैंने सोचा था कि इसके ऊपर श्रग डालूंगी तो वो चीज़ 19-20 हो गई, वो हो नहीं पाई, क्योंकि यार लास्ट टाइम में कोई कितना ही कर पाता है. उन भैया ने इतनी जल्दी मुझे दे भी दिया कि 3rd अप्रैल को मुझे मेरा आउटफिट मिल गया था, और ये 25 मार्च को मैंने उन्हें दिया, और मुझे 3rd अप्रैल को उन्होंने स्टिच करके दे दिया. लास्ट मोमेंट पर ये सब हुआ. तो फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए. तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ से मैंने फैब्रिक लिया था वो सब चीज़ें. थोड़ा सा आपको कॉपअप करना पड़ेगा क्योंकि यार वो लैंडस्केप मोड में ना लेके हॉरिजॉन्टली में ली है, तो वो थोड़ी सी आपको ऐसे किस पे दिखेगी. तो हाँ जी, अच्छा लगेगा, सच में अच्छा लगेगा. भारी भारी ना हो जाए, बहुत ज्यादा भारी होने का बेटा. देख नेट है ये, देख. या फिर एक काम कर लूँ, ऐसे प्लेन नेट लेके उस पर बॉर्डर पे लगवा लूँ. है आप बताओ जैसा आप लगे, इस टाइप की नेट लूँ ना जिसमें इस तरीके की बुट्टी बुट्टी सी हो, और उस पर बॉर्डर पे ये लगवा लूँ, ये वाला ऐसा कर, ये वाला बॉर्डर पे लगवा लूँ और ये वाला ले लूँ, है ना. इनसे पूछ लू, चलो ऐसे नहीं उतरेगा ये चीज. नहीं, ये काम इसे 6 मीटर कर देना और इसे 5 मीटर कर देना. हाँ, ठीक है ठीक है. और शरक के लिए देख रहे, फिर जो प्लेन नेट मिले ना उसके ऊपर करके देख लेना. तो
नहीं नेट तो दिख ही नहीं रही ना मुझे, कटवा दूं 6 और 5 हां कटवा दो बस, प्लेन नेट देख लो ना अगर इनके पास हो तो। हाँ नेट 5 काटनी है, वो जो नीचे वाला वो 6 काटना है। हाँ जी देख लो आप, ये क्लियर पकड़ लो, समझाओगे ना? अब तो डार्क भी चल गया गुड़िया, क्योंकि वो नीचे हो गया ना। चल जाएगा चल जाएगा, ये सिंगल हो गएगा ना, देख इस पे यो लगेगा ना, मतलब जब ऑल ओवर होगा ना। नहीं ये बताऊं क्या बोल रही, जब इसके नीचे ब्लाउज हाँ, चलेगा ना तो शायद चल जाए, चल जाएगा। इसके नीचे लगा के देखती हूँ ये वाली, देखूं तो चल रही देख ले, तुम बताओ मम्मी मुझे, मुझे जामनी से शेड हाँ ये वाली थोड़ी पर्पल सी शेड में है, ब्लू भी रखी उनके पास तो 6 मीटर ये अच्छा भी लगेगा रुचि दीदी, उसके नीचे और उसके हाँ, ब्लाउज छोटी सी ब्लाउज बनवाऊंगी पट्टी वाली हाँ, हाँ, हाँ। और तो वाली ना बनवा ली नहीं, नहीं, नहीं वो मतलब वो वाली बनवाऊंगी हाँ। क्योंकि उसके ऊपर शरक भी तो डलेगा हाँ, ना ऑर्गेंजा कितने रुपए मीटर है? 80 येलो अच्छा लग रहा है वो मुझे, इसमें ग्रीन भी होगा ये वाला येलो हाँ, ये अच्छा लग रहा है, ये 1 मीटर ले लो। हाँ मम्मी एक लेयर पकड़ो ना, सिर्फ एक लेयर बुढ़िया उसके ऊपर डाल बहन दे, ये वाला कलर ये जा रहा है, ये तो पर्पल शेड में हो गया, ये जा रहा है जो इंसान हाँ ये जाएगा फिर इसको, और ले ले कौन सी मिलता है इसको, वो वाली लगवा ली वो नहीं लिया आपने, बस यही है वो भी तो है, इसके साथ कुछ और भी तो था ना हाँ, वो 1.5 मीटर वो भी तो दिया था 1.5 मीटर, दो नहीं थी ना, एक तो वो 1.5 मीटर एक दूसरी यार भी कूल। हाँ जी कैलकुलेट कर लो, ये भी देख ये 2 मीटर मिलेगा, ये 2 मीटर ले लो, 2.25 मीटर ले लो, 2.25 की मर्जी है हाँ, 2.25 की शर्ट आपकी, 2.5 मीटर का 1.5 मीटर का वाला, और ये आपने कितना लिया? 3 मीटर। ये कितने वाली है? ये कितने वाली लेस है? अरे बेटी इतनी बार हो गई, हाँ मैंने वो अलग ले लिया। तो हमने शॉपिंग कर ली थी जितना मुझे, मतलब मैंने अपने टेलर से लाइक कंसल्ट कर लिया था कि भैया हमें कितना कितना मीटर कपड़ा लेना चाहिए नीचे लहंगे के लिए और ऊपर ब्लाउज के लिए लाइक क्रॉप टॉप के लिए, तो वो सब चीज़ें हमने उनसे पहले ही पूछ के ले ली थी। तो अब हम जा रहे हैं अपने टेलर भैया को ये अपना लाइक फैब्रिक देने के लिए, स्टिच करवाने के लिए, होपफुली वो मना ना करें, और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने, हमने उन्हें जैसे तैसे कन्विंस कर लिया कि भैया प्लीज़ भैया प्लीज़, क्योंकि उस टाइम पर ईद का भी टाइम था, तो यार ईद पर तो बहुत ज़्यादा रश होता है टेलर के पास, मतलब कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर उन्होंने, क्योंकि हम उनके बहुत ज़्यादा लाइक मैंने अपने आज तक जब से मैंने सूट एथनिक वियर पहनने शुरू किए थे, या फिर मैं जितने भी बनवाती हूँ अपनी इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस भी जो बनवाती हूँ उन्हीं भैया से बनवाती हूँ, मतलब एक होता है ना कि वो बिल्कुल आपको पॉइंट पे आपको वो ही फिटिंग देते हैं, वो बिल्कुल जैसे मैंने शो करती हूँ ना कि भैया मुझे ये ड्रेस चाहिए, तो वो लाइक बिल्कुल सेम तो नहीं यार, बिल्कुल नहीं बन पाता, बट हाँ जो मेरा होता है ना कि हाँ मुझे ये ऐसा ही चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग वैसा ही काम करके देते हैं। चलो फिर
खेल है ना, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं, इतनी होगी ज्यादा से ज्यादा। ये आप शर्ट की ले रहे ना, इतना होगा भाई, देखो देखिए सर। हाँ भैया इतना तो ठीक है, इतना होगा क्योंकि नीचे कपड़े भी दिखा। हाँ नहीं ठीक है। तो आज है फर्स्ट ट्रायल मेरे लाइक आउटफिट का, कि मुझे पहन के देखना है कि कहाँ क्या कमियाँ हैं, और जो कुछ कमियाँ हैं उसे वो भैया फिर से ठीक करेंगे, मम्मी लेके जाएगी उनके पास में। तो उनके पास ऐसे कोई चेंजिंग रूम नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल शॉप है। तो ऐसे ही मैंने अपने भाई से उन्होंने भिजवा दिया था घर पर ट्रायल के लिए। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, तो फिर मैं उन्हें दोबारा वापस लाइक देने जाऊँगी और उसके बाद देन फिर से ट्रायल करूँगी। शायद वो क्लिप मैं ना लगा पाऊँ क्योंकि वो क्लिप मिस हो गई है मेरे से। तो फिर चलो, ये चीज़ देखो ऐसे होनी चाहिए थी। हाँ ये इस तरह ही होनी चाहिए, तो बहुत डीप है इसका नेक ना, डीप नहीं, डीप बनाना चाहिए। हाँ। नहीं बिल्कुल ही ऊपर ही कर दे। चल मैं कल जाऊंगी सर दिखा। हाँ, तो ये चीज भी और ये चीज भी बोलिए। हाँ देखो दिखा दो ये चीज होनी चाहिए ना बस, और तो ज़्यादा कमियाँ नहीं है इसमें, तो फिट है। अगर बिना शर्ट के देखें तो वैसे तो फिट एंड फाइन है। बस ये चीज़ यहाँ डोरी लग जाएगी, एक थोड़ा सा ये बोलना कि उसे मतलब गर्मी के हिसाब से ये चीज़ टाइट है। हाँ और तो सब कुछ ठीक हो रहा। चलो फिर कल बोल के आई हो आप, ठीक है? हाँ कल जाऊँगी सलेक आज तो कुछ। तो दिस इज़ लाइक अभी फाइनल नहीं हुआ है, थोड़ी थोड़ी कुछ कमियां हैं, पार्शली ये प्रिपेयर हो गया है। नीचे का तो मुझे बॉटम अच्छा लग रहा है, बट ऊपर में थोड़ी कमी है। तो मम्मी जाएंगी इसे टेलर के वापस लेके, और जो कुछ 19 पीस है तो वो ठीक करवाएंगी।